पिछली वीडियो में हमने सुशांत से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए। अब आपको बताते हैं सुशांत को लेकर रिया चक्रवर्ती का क्या कहना है। रिया लगातार सुशांत सिंह के करीब थी। सुशांत सिंह क्लिनिक डिप्रेशन के शिकार थे। सुशांत सिंह की स्थिति इतनी खराब थी कि वो पूरी तरह से दवाइयों पर निर्भर थे। वो दवाइयां खाते खाते ऊब जाते थे, थक जाते थे। ऐसी स्थिति में रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से उनकी देखभाल कर रही थी। सुशांत सिंह की हालत गंभीर होती जा रही थी, इसके कारण रिया चक्रवर्ती की भी हालत खराब होने लगी। रिया मानसिक और शारीरिक रूप से टूटने लगी थी। रिया को एक बार एंजाइटी पैनिक अटैक भी आ चुका है, जिसके बाद सुशांत सिंह ने रिया को अपने घर जाने के लिए कहा था, लेकिन रिया ने मना कर दिया। सुशांत सिंह ये नहीं चाहते थे कि रिया भी उनकी तरह हो जाए। इसके बाद सुशांत सिंह ने रिया से धीरे धीरे ब्रेकअप करना शुरू किया और इस तरह वे रिया की जिंदगी से खुद को निकालने लगे। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करने से पहले अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट से रिया चक्रवर्ती की सारी फोटोज भी डिलीट कर दी थी। रिया ने आखिरी बार सुशांत सिंह को हॉस्पिटल के वार्ड में देखा था। वह सुशांत के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाई थी। सुशांत की स्थिति को इस प्रकार देखने से कहीं हद तक साबित हो जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत क्लिनिक डिप्रेशन के शिकार थे। उनके पास फिल्मों की कमी नहीं थी, नेपोटिज्म भी कहीं हद तक उन्हें घेरे हुए नहीं था। सुशांत सिंह की ये स्थिति तो फिलहाल यही बताती है। बाकी आगे देखते हैं क्या नए खुलासे होते हैं और क्या नई बात सुशांत सिंह को लेकर पता चलती है। सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तरकश। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।